अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का डेली रूटीन व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ देचकी के कबाब। तो बच्चे कह रहे थे काफ़ी दिन से देचकी के कबाब बनाए आपने, काफ़ी दिन हो गए देचकी के कबाब नहीं बनाए। तो मैंने सोचा चलो आज कबाब तो पड़े हुए थे बने हुए फ्रिज में, और आज यही पका लिए जाए। अभी बज रहा है 1:20। घर के सारे काम हो गए थे, क्लीनिंग हो गई थी, सोचा चलो कैमरे को सेट करते हैं और व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान काम होता है इंसान का अगर लहसुन अदरक पिसा हुआ पड़ा हो, फिर उससे ज़्यादा आसान हो जाता है कि अगर आपके टमाटर भी पिसे हुए पड़े हों, ग्राइंड हुए हुए पेस्ट इसका पड़ा हो, तो क्या ही बात है। फिर रह जाती है प्याज। सम टाइम ऐसा होता है हम लोगों को प्याज चॉप करके हंडिया में डालनी होती है कि झटपट बन जाए हंडिया। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, झटपट बनने वाली थी ये हंडिया। आज मुझे सारा कुछ ग्राइंड करना पड़ा। पहले मैंने लहसुन अदरक को ग्राइंड किया, उसके बाद फिर मैंने टमाटरों को, जितनी ज़रूरत थी मुझे हंडिया के लिए, फिर टमाटरों को ग्राइंड किया, उसके बाद फिर जब मैंने प्याज को अलग से चॉप किया, फिर मुझे एकदम याद आया अभी अभी वॉइस ओवर करने के दौरान, फिर वही मुझे एक आया था कमेंट, आपने करना है जी वेट लॉस वाली वीडियो, कोई हमें शेयर करें, कोई रेसिपी बना के शेयर करें जिससे वेट लॉस किया जा सके ईजीली। मैंने कहा सर्दियां आ रही हैं, भूख भी वाह सारी लगेगी बंदों को। हर इंसान जो है ना सर्दियों में खूब खाता है, क्योंकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, और सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, मज़े मज़े के खाने भी बन रहे होते हैं, क्योंकि माएँ जो होती हैं ना सर्दियों में किचन में ज़्यादा टाइम दे सकती हैं, तो वो खाने में लज्जत भी ज़्यादा आती है जब खाने को बड़े टाइम से पकाया जाए, यानी कि टाइम दे के पकाया जाए। एक तो होता है ना झटपट बस ऐसे ही बनाया हुआ रख दी हंडिया, उसमें जायका नहीं होता। जिस हंडिया को टाइम दिया हो, सकून से बनाया, उस हंडिया में जायका होता है। तो मैंने सोचा बात तो उसने बिल्कुल सही की है कि वेट लॉस के लिए कोई जी रेसिपी शेयर करें, क्योंकि हमने तो ठंड में खाना है, खूब खाना है, हमने फिश भी खानी है, चरगे भी खाने हैं, बिरयानियाँ भी खानी है, क्योंकि सारी चीज़ें खाई जाती हैं ठंड में। तो फिर मैंने क्या किया, आज मैं बना रही हूँ, आ गए जी अपने मुद्दे पर, आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे कोफ्ते। तो उसके लिए मैंने ले लिया है सरसों का ऑयल, जो कि कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती इसमें आपको, ना इसे ज़्यादा काटना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, बस हंडिया सिंपली बन जाती है और इतनी लजीज बनती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे आज 10 से 12 दिन हो गए सरसों के ऑयल में हंडिया बनाते हुए। सब्ज़ी बना लूँ, गोश्त बना लूँ, चावल नहीं बनाया मैंने अभी तक, सब्ज़ी बना लूँ, गोश्त बना लूँ, या फिर पराठा बना लूँ, अंडा बना लूँ, सब कुछ इतना लजीज बनता है सरसों के ऑयल में। आप लोग ना जब एक दफ़ा सरसों के ऑयल में हंडिया बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो रिफाइंड ऑयल को भूल जाएंगे। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया था, गरम मसाले कुछ खड़े डाले थे, प्याज चौकी भी डाली थी, उसको गोल्डन गोल्डन कलर आने पे प्याज को मैंने अब लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो बात आ रही थी सर्दियों की और भूख ज़्यादा लगती है, तो सिंपली बात है सभी को लगती, गर्मियों में ये होता है पानी पी पी के बंदे का पेट फट जाता है, पानी पी पी के गर्मी से बुरा हाल होता है, खाना खाया नहीं जाता। तो गर्मी में अमूमन लोग जो मोटे होते हैं ना, वो भी थोड़े से ना उनके भी वेट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, और जो सर्दियों में बेचारे पतले मेरे जैसे होते हैं ना, वो भी मोटे होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि खूब खाते हैं। अब मैंने ना ग्राइंड किया हुआ इसमें टमाटर भी डाल दिया, साथ साथ रेसिपी भी बताती जाती हूँ, साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती जाती हूँ। उसी सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने पहले सोचा मैं कबाबों की डालती हूँ, बाद में ना इस ये व्लॉग डालती हूँ, बाद में वो रेसिपी डालूंगी, क्योंकि उस पर थोड़ी सी वॉइस ओवर करनी थी और वो मुझे करनी है रात को, अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि उसको थोड़ी सी मुझे एडिट भी करना था, और वो ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोग जब ट्राई करेंगे ना, आप लोग दुआएं देंगे मुझे, 1 से 2 हफ्ते में जब आपका वेट कम होने लगेगा ना, तो वाकई में आप मुझे दुआएं देंगे। तो खैर अभी मैं आप लोगों को सबस बाग नहीं दिखा रही, बल्कि मैं एक अच्छी रेसिपी लेकर आ रही हूँ जिसकी मैं तारीफ़ें कर रही हूँ खुद। तो खैर मेरे कबाब जो है ना वो रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पुदीने की चटनी बना रही हूँ। जैसे कि मैं बता रही थी हम लोग पिकनिक पर जाएँगे विद फैमिली, सारे सिस्टर की फैमिली, भाई की फैमिली, बच्चे सब जाएंगे, तो मैं धन पुदीने की चटनी जो है ना बना के रख रही हूँ, क्योंकि बिरयानी के साथ रायता होना चाहिए, और बिरयानी मैं बना रही हूँ, सिस्टर बना रही हैं दम का कीमा, और जो हमारी भाभी हैं वो बना रही हैं मैक्रोनी। तो उसी सिलसिले में मैंने पुदीने की चटनी बना के रख ली। अच्छा जी, कबाब का जब सारा पानी ड्राई हो जाए, भुनाई का मसला आ जाए, मरहले पर आ जाए, तो उसमें थोड़ा सा मसाले को ठंडा करके दही डालिएगा, उससे ये होगा दही फटेगा नहीं। अब जी दही का पानी भी हो जाए खुश्क, जैसे ही दही का पानी खुश्क हुआ, मैंने कबाबों के भुनाई की, उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्ची डाली, अदरक भी डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं, और हम जहाँ जाएंगे हम वहाँ की वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।